हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 15 से लेकर के 31 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 जिसका वीडियो सीरीज काफी समय से यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ है, यानी कि वीडियोस रुके हुए हैं, इस वीडियो सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे दीपावली के बाद। दीपावली फेस्टिवल के बाद हम जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो सीरीज रुका हुआ है उसे आगे कंटिन्यू करके इसे कंप्लीट करके एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 इसका आयोजन हुआ 28 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2021 के मध्य। देखिए ध्यान समझिएगा, 28 अक्टूबर 2021 से लेकर के 1 नवंबर 2021 के मध्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन हुआ। देखिए ये जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है, प्रारंभ में इसका जो डेट डिसाइड किया गया था, जो तिथि निर्धारित की गई थी इसके आयोजन की, वो थी 28 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य। लेकिन आप सभी को पता है कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और इसी दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ राज्योत्सव। इस कारण से इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को एक साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया और इसके डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया 28 अक्टूबर 2021 से लेकर के 1 नवंबर 2021। इस बीच में आपके राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन भी हुआ और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भी आयोजन हुआ। लेकिन अब जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 28 से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य ही हुआ। पूरे भारत भर के विभिन्न राज्यों से कलाकार छत्तीसगढ़ में आकर के छत्तीसगढ़ में अपने जो है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होकर के इन्होंने अपनी नृत्य की प्रस्तुति दी 28 से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य। 31 अक्टूबर को विजेता कलाकारों को पुरस्कार वितरित किया गया, ठीक है। जो चीज बता उसको ध्यान समझिएगा, जो आपका 28 से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य भारत के विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कलाकार छत्तीसगढ़ में आकर के इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होकर के 28 से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। 31 अक्टूबर को विजेता कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया, आगे हम देखेंगे पुरस्कार प्रदान किए गए थे प्रथम द्वितीय तृतीय, और 1 नवंबर को मनाया गया छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, ठीक है। तो ये डेट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अगर कथन आधारित प्रश्न पूछा जाता है तो किस किस डेट को क्या क्या हुआ इसे ध्यान दीजिएगा। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि बनाए गए थे या बुलाए गए थे आपके हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 के मुख्य अतिथि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में आपके 8 देश और हमारे भारत के 27 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न कलाकार इस आपके राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हुए। देखिए ये जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है इसका आयोजन साइंस कॉलेज के ग्राउंड में हुआ, रायपुर जिले के साइंस कॉलेज के ग्राउंड में इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 8 देशों के कलाकार और भारत के आपके 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के आपके कलाकार इस महोत्सव में शामिल हुए। देखिए कुछ न्यूज़पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 7 देशों के कलाकार, ठीक है, 7 देशों के कलाकार जो है इस महोत्सव में शामिल हुए। लेकिन अगर हम सभी का नाम देखें, 2-3 न्यूज़पेपर को अगर हम रेफरेंस लेते हुए चले तो उसमें 8 देशों के नाम मिल रहे हैं। कौन कौन से वो 8 देश है, देखिए एक है आपका युगांडा, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा श्रीलंका, चौथा उज्बेकिस्तान, पांचवा है आपका स्वाजीलैंड, छठवा है मालदीव, सातवां है फिलिस्तीन और आठवां है आपका सीरिया। कई जगह जो है आपके मालदीव के स्थान पर माली लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 देश या 8 देश, ठीक। अगर एग्जैक्ट और थोड़ा समय इसमें सर्च करूंगा, वैसे तो मैंने काफी सर्च किया, मेरे को हर जगह जो है यही लिस्ट मिल रहा है 8 देश के कलाकार इसमें शामिल हुए थे और भारत के आपके 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से भी जो है बहुत से कलाकार इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है इसमें दो आपके विधा के नृत्य की प्रस्तुति दी गई, एक
एक था आपका विवाह संस्कार, यानी कि विवाह संस्कार से संबंधित या विवाह संस्कार में किया जाने वाला लोक नृत्य, और दूसरा था आपके पारंपरिक विधाएं, यानी कि परंपरा के अनुसार पर, परंपरा विधा के अनुसार पर अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग विधा या अलग अलग लोक नृत्यों की जो प्रस्तुति होती है वो इस आपके इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की प्रमुख विधा के अंतर्गत था। यानी कि दो विधा पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति दिया कलाकारों ने, कौन कौन सा, एक विवाह संस्कार और दूसरा पारंपरिक विवाह विधाएं। पारंपरिक विधाएं का मतलब यानी कि आपका खेती करते समय अगर कोई आपका कोई नृत्य किया जाता है, या शिकार पर जाते समय कोई नृत्य किया जाता है, ऐसे एक एक तरीके से ट्रेडिशनल पारंपरिक विधा पर आधारित आपके नृत्य की प्रस्तुति। तो दो विधा कौन कौन से थे पूछा जाए, तो एक था आपका विवाह संस्कार और दूसरा था आपका पारंपरिक विधाएं। अब देखिए इसमें जो है कलाकारों ने प्रस्तुति दी, अब कलाकारों को पुरस्कृत किया गया, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक। जो प्रथम पुरस्कार जो था उसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई, ध्यान समझना, प्रथम पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, द्वितीय पुरस्कार में 3 लाख रुपए की राशि, और तृतीय पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। ठीक, देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं दो कैटेगरी है, एक है आपका पारंपरिक और दूसरा है आपका विवाह संस्कार। तो पारंपरिक, जो पारंपरिक विधा के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया आपके झारखंड को, झारखंड के छऊ नृत्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया इस पारंपरिक विधा के अंतर्गत, जबकि आपका सेकेंड पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया आपका उड़ीसा राज्य को, उड़ीसा राज्य के बाजासल नृत्य को। नृत्य को भी ध्यान देना है, इनडायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता है कि बाजासल नृत्य किस राज्य संबंधित है, उड़ीसा राज्य संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य के बाजासल नृत्य को इस पारंपरिक विधा अंतर्गत, ठीक, इस पारंपरिक विधा के अंतर्गत सेकंड पुरस्कार मिला, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ के गौर नृत्य को, गौर नृत्य जिसे बायसन हॉर्न नृत्य या फिर गौर सिंह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गौर नामक जानवर या बायसन नामक जानवर के जो है सिंह से बने हुए मुकुट को पहनकर के इस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, तो यह छत्तीसगढ़ को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया इस आपके राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के अंतर्गत पारंपरिक जो विधा है उसमें। ठीक, दूसरी विधा थी आपकी विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया आपके झारखंड राज्य को, झारखंड राज्य के करसा नृत्य को, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के करसा नृत्य को विवाह संस्कार विधा के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि उड़ीसा राज्य को, उड़ीसा राज्य के धप नृत्य को सेकंड पुरस्कार मिला आपके विवाह संस्कार के अंतर्गत, और जबकि तीसरा पुरस्कार मिला आपका कार्बी तिवा, ठीक है, असम राज्य के कार्बी तिवा नृत्य को थर्ड पुरस्कार मिला। अगर हम देखें तो विधा कितनी है, दो, एक विवाह संस्कार और दूसरा पारंपरिक विधा। तो अगर शुरू के फर्स्ट और सेकंड रैंक देखें तो फर्स्ट दोनों कैटेगरी में झारखंड को मिला है, सेकंड दोनों कैटेगरी में उड़ीसा को मिला है, और थर्ड में अगर पारंपरिक विधा की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़, और इधर अगर हम बात करें तो असम को मिला है आपके इस विवाह संस्कार विधा के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है, केवल रट्टा नहीं मारना है कि पहला पुरस्कार झारखंड को मिला, उसमें विधा को भी याद करना है। ठीक, ये चीज जो है बहुत एकदम बारीकी से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस विधा के अंतर्गत किस को पुरस्कार मिला, वरना हर कोई जो है झारखंड झारखंड रटता बैठ जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था, और इसी दिन आपका छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है, और प्रतिवर्ष जो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन करने के साथ साथ इसी दिन प्रदान किया जाता है आपके छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, सभी को तो बता पाना पॉसिबल नहीं है, उसका लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया, हर साल प्रदान किया जाता है, लेकिन उसमें से एक पुरस्कार आपको याद रखना है, वो है आपके देवदास बंजारे पुरस्कार 2021। इस साल जो है पहली बार ये देवदास बंजारे पुरस्कार 2021 छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान किया गया। देखिए ये जो आपके देवदास बंजारे हमारे छत्तीसगढ़ के जो है आपके प्रसिद्ध पंथी कलाकार थे, ठीक है, इनका निधन हो चुका है, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी जो कि छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध पंथी कलाकार थे, उनके स्मृति में पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा ये जो आपके देवदास बंजारे जी के नाम पे दो पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, एक है आपका स्मृति पुरस्कार और दूसरा है पंथी नृत्य पुरस्कार। स्मृति पुरस्कार जो कि प्रदर्शनकारी लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, इस साल ये पुरस्कार प्रदान किया गया आपके हृदय प्रकाश अनंत को और दूसरा आपका अमोल दास टंडन को, जबकि देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार ये प्रदान किया गया है आपके गौकरण दास बघेल को।
ठीक है, इसका केवल बस नाम याद रखिएगा। और देवदास बंजारे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पंथी कलाकारों को, क्योंकि ये जो है पंथी एक प्रसिद्ध पंथी कलाकार थे, तो उसी क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के चार नए जिले, जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चार नए जिले के गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। अब इन चार नए जिले के गठन किए जाने की तो घोषणा की गई, अब जो है एक अधिसूचना जारी किया गया है दावापत्ति को लेकर के, यानी कि इनकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से उपखंड और कौन कौन से तहसील शामिल होंगे इसका निर्धारण कर दिया गया है, और लगभग 60 दिनों का समय दिया गया है कि इसके सीमा से संबंधित या तहसील से संबंधित अगर किसी को दावा आपत्ति पेश करना है तो। अगर ये 60 दिनों का समय बीत गया तो उसके बाद, यानी कि 60 दिनों का जो समय निर्धारित किया गया है, इस बीच में अगर किसी प्रकार की कोई भी दावा आपत्ति नहीं आती है तो उस कंडीशन में जो आपके जो चार नए जिले के बनाए जाने की जो घोषणा की गई थी वो अस्तित्व में आ जाएंगे, यानी कि सृजन हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए लगभग 1 जनवरी 2022 को मोस्ट प्रोबेबली ये चार नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। देखिए 60 दिनों का समय दिया है, उस आधार पर मैं बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है डेट चेंज हो सकता है, लेकिन एक मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं कि 1 जनवरी 2022 को शायद, ठीक है, इसको एकदम नोट मत कीजिएगा, शायद ये चार नए जिले जो है अस्तित्व में आ सकते हैं। इसमें से अभी 3 जिलों के सीमाओं का निर्धारण हुआ है, एक जिला का अभी तक कोई अधिसूचना मेरे को देखने के लिए नहीं मिला, ना ही मेरे को कहीं पर कोई सोशल मीडिया पर मिला, ना ही कहीं मिला। अगर आपको मिला होगा तो मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा व्हाट्सअप में, ठीक है, वो है आपके मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ के कोई भी सीमा या कोई भी तहसील से संबंधित कोई भी अधिसूचना मेरे को देखने के लिए नहीं मिला, मुझे 3 ही आपके जिले के मिले, कौन कौन से, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। इसका पर्टिकुलर दावापत्ति से संबंधित एक अधिसूचना जारी किया गया था और उसमें 60 दिन की अवधि दी गई है। अगर मनेंद्रगढ़ से संबंधित कोई भी आपको अगर मिलता है ऐसे ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट तो मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, वैसे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दे देगा, या फिर नीचे तरफ जो है आपका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए अभी 4 में से हम 3 जिले का देखेंगे, इन 3 जिलों के सीमाओं का निर्धारण किया गया। जैसे कि शक्ति एक नया जिले का गठन किया जाएगा, शक्ति जो कि जांजगीर चांपा से पृथक होकर के एक नया जिला बनेगा। देखिए आप सभी को तो डायरेक्शन देखना तो आता ही होगा, डायरेक्शन यानी कि अगर आप कभी मैप बनाएंगे तो मैप में हमेशा कॉर्नर बना रहता है ना, एक है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक। तो ये जो आपका शक्ति जो नया जिला बनेगा उसके पूर्व दिशा में आपका खरसिया और रायगढ़ 2 तहसील है। इसके पूर्व दिशा में पहली बात तो ये रायगढ़ जिला होगा, ठीक है, पूर्व दिशा में रायगढ़ जिला होगा, यानी कि शक्ति जिले की सीमा पूर्व दिशा में रायगढ़ की सीमा को स्पर्श करेगी और रायगढ़ के खरसिया और रायगढ़ तहसील को। जिला कौन सा है? रायगढ़ जिला। अगर तहसील पूछा जाए तो खरसिया और रायगढ़ तहसील के सीमा को स्पर्श करेगी, ठीक। अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो शक्ति जो जिला है ये उत्तर दिशा में कोरबा के साथ सीमा साझा करेगी, यानी कि शक्ति जिले की जो सीमा है ये कोरबा के सीमा को स्पर्श करेगी, किस डायरेक्शन में? उत्तर के दिशा में, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। अगर तहसील पूछा जाए तो कोरबा जिला का आपका करतला तहसील, कोरबा जिले के करतला तहसील की सीमा को स्पर्श करेगा। अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में यहां सीमा बनाएगा जांजगीर चांपा के साथ, जिससे पृथक हो रहा है। अगर तहसील की बात करें तो जांजगीर चांपा का सारा गांव और बमनीडीह, ठीक है, सारा गांव और बमनीडीह तहसील के साथ ये सीमा साझा करेगा। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है आपका सारंगढ़, ठीक है, दक्षिण में ये सीमा साझा करेगा आपके रायगढ़ जिले के साथ और रायगढ़ जिले के सारंगढ़। अब यहां पे कोई ये मत बोलना कि सारंगढ़ जो है ये तो एक नया जिला बन रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति के आधार पर अधिसूचना जारी किया गया है, ठीक है। वर्तमान में सारंगढ़ किसका हिस्सा है? रायगढ़ का हिस्सा है, इसलिए जो है सीमा जो बताई गई है कि जो सारंगढ़ दक्षिण में जो है ये रायगढ़ के साथ सीमा बनाएगा, अगर तहसील पूछा जाए तो तहसील में आएगा आपका सारंगढ़ जो कि वर्तमान में रायगढ़ का हिस्सा है, ठीक है। जब नए जिले का सृजन हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि यहां जो है आपका सीमा किसके साथ साझा करेगा, नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के साथ, क्योंकि तहसील कौन सा है यहां पर? सारंगढ़। तो ये हो गया आपका पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ध्यान दीजिएगा शक्ति जो है आपके पूर्व में रायगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहा है, पश्चिम में जांजगीर चांपा के साथ, उत्तर में कोरबा के साथ, दक्षिण में रायगढ़ के साथ।
ठीक है, यानी कि आपका देखा जाए तो पूर्व और आपका दक्षिण ये सीमा साझा कर रहा है वर्तमान में रायगढ़ के साथ। अब देखिए इसके अंतर्गत दो उपखंड शामिल होंगे, कौन कौन से, एक शक्ति और दूसरा डबरा, जबकि इसके अंतर्गत जो है आपके पांच तहसील आएंगे। पांच तहसील कौन कौन से, एक तो शक्ति, दूसरा डबरा, तीसरा जय जयपुर, चौथा है आपका नया बाराद्वार और पांचवा है आपका माल खरौदा। ठीक है, ये पांच तहसील जो है इस नए जिले के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ये अभी अधिसूचना में सीमाओं का निर्धारण और इसके अंतर्गत आने वाले उपखंड और आपके तहसीलों का एक लिस्ट जारी किया गया है और इसमें जो है दावा आपत्ति मंगाया गया है, अगर किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो तो अपनी दावा आपत्ति दे सकते हैं। ठीक, सेकंड है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये जो आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ है ये आपका एक बलौदा बाजार और दूसरा रायगढ़। ठीक है, सारंगढ़ जो है ये आपके आपका रायगढ़ से पृथक होकर के बनेगा और दूसरा है आपका बिलाईगढ़ जो कि बलौदा बाजार से पृथक होकर के दोनों को मिला करके एक नए जिले का सृजन किया जाएगा। इसके जो पूर्व दिशा, इसका जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा आपके उड़ीसा राज्य के साथ सीमा बनाएगा, उड़ीसा राज्य के साथ सीमा बनाएगा, उड़ीसा राज्य का अंबा भवना तहसील। ठीक है, उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करेगा, जबकि जो पश्चिम दिशा है ये बलौदा बाजार के कसडोल तहसील, पश्चिम दिशा में यह बलौदा बाजार के साथ सीमा बनाएगा और बलौदा बाजार के कसडोल तहसील की सीमा को स्पर्श करेगा। जबकि अगर हम इसके उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में यह रायगढ़ और जांजगीर चांपा दोनों जिले की सीमा को स्पर्श करेगा। रायगढ़ जिले के पुसौर तहसील और जांजगीर चांपा के डबरा तहसील दोनों के साथ सीमा बनाएगा यह नया जिला आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। जबकि हम दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा में यह महासमुंद जिले के साथ सीमा बनाएगा, यानी कि महासमुंद जिले की सीमा को स्पर्श करेगा। अगर तहसील की बात करें तो आपके महासमुंद जिले के सरायपाली को। ठीक, इसके अंतर्गत दो उपखंड शामिल होंगे, कौन कौन से, एक तो रायगढ़ जिले का सारंगढ़ और बलौदा बाजार जिले का बिलाईगढ़ जिसे पृथक होकर के बन रहे हैं। और इसके अंतर्गत तीन तहसील आएंगे, तीन तहसील कौन कौन से, एक तो रायगढ़ जिले के सारंगढ़ और आपका बरमकेला, जबकि बलौदा बाजार का बिलाईगढ़। तो टोटल तीन तहसील इस नए जिले के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोहेला मानपुर और अंबागढ़ चौकी। पूरा लिखिएगा, मैंने केवल मोहेला मानपुर चौकी लिखा हुआ है, उसे पूरा नोट कीजिएगा, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। देखिए इस मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो कि आपके राजनांदगांव जिले से पृथक होकर के एक नया जिला बनाया जाएगा, इसके आपका इधर पूर्व दिशा में ये जो सीमा बनाएगा बालोद जिले के साथ, बालोद जिले के साथ पूर्व दिशा में सीमा बनाएगा। और आपका इस बालोद जिले के डोंडी और डोंडी लोहारा ये दो तहसील इस नए जिले मोहेला मानपुर और अंबागढ़ चौकी की सीमा को स्पर्श करेंगे। अगर हम इसके पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में इसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ स्पर्श होगी। उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में छुरिया तहसील यानी कि उत्तर दिशा में जो इसकी सीमा है ये रायगढ़ जिले की सीमा को स्पर्श करेगी, रायगढ़ जिले के छुरिया तहसील को। अगर दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में इस नए जिले की सीमा कांकेर जिले के साथ सीमा बनाएगी, और अगर हम तहसील की बात करें तो कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल और पखांजुर के साथ सीमा बनाएगी। ठीक, अगर हम उपखंड की बात करते हैं तो उपखंड में मोहेला और मानपुर दो उपखंड शामिल किए जाएंगे, जबकि तहसील के अंतर्गत मोहेला मानपुर और अंबागढ़ चौकी तीन तहसील इस नए जिले के अंतर्गत शामिल होंगे। तो इसको याद रखिएगा, एक का डाटा अभी तक मुझे नहीं मिला है, वो है आपका मनेंद्रगढ़। ठीक, इसका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला है, अगर आप में से किसी के पास भी है तो प्लीज उसे व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट है धान खरीदी। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जो है किसानों से धान की खरीदी की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा अपना एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, यानी कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा मूल्य पर ज़्यादा कीमत पर किसानों से धान की खरीदी करती है। इस साल प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2021-22 में जो धान की खरीदी है ये प्रारंभ किया जा रहा है आपका 1 नवंबर 2021 से। इसमें जो किसान जो है अपने रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन करा सकते हैं 10 नवंबर तक, शुरू में डेट जो है आपका 30 अक्टूबर तक था, बाद में इसको एक्सटेंड करके 10 नवंबर कर दिया गया है। 1 नवंबर 2021 से धान की खरीदी प्रारंभ होगी और इस साल लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रदेश के किसानों से लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाएगी, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो साधारण धान के लिए है 1940 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड ए धान के लिए है आपको 1960 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन प्रदेश सरकार जो है यह आपका 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करेगी। इस
साल तक न्यूज में ये भी आया था अभी हाल ही में कि एक भूपेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ही एक मंत्री ने एक जगह भाषण के दौरान कहा था कि प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि किसानों से 2550 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी, लेकिन अभी तक कहीं से भी जो है ऑफिशियल तरीके से ये बात सामने नहीं आई है या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई है। तो फिलहाल याद रखिएगा कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। नेक्स्ट है आपका भूलन द मेज, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए ये जो भूलन द मेज है ये एक शॉर्ट फिल्म है, छत्तीसगढ़ पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म है। देखिए ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इसे जो है 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रीजनल कैटेगरी यानी कि क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर है आपके मनोज वर्मा, और जो भूलन द मेज है ये एक उपन्यास भूलन द कांदा, संजीव बख्शी की उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित ये मूवी है। ठीक, ये राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार पाने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है पूछा जाए तो वो है आपके भूलन द मेज, जो कि एक भूलन नामक एक पौधा पर आधारित है। एक पौधा जिस पर किसी व्यक्ति का अगर पैर पड़ता है तो व्यक्ति सारी चीजें भूल जाता है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसे आकर के स्पर्श ना करे। तो एक भूलन पौधा के एक भूलन पौधा को केंद्र रखते हुए हमारे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर एक कटाक्ष इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसके निर्देशक कौन है, मनोज वर्मा, और ये किस उपन्यास पर आधारित है, संजीव बख्शी की भूलन कांदा पर। नेक्स्ट है आपके ज्वालेश्वर मंदिर। ज्वालेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है, ये मौजूद है आपके गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। ये जो ज्वालेश्वर मंदिर है ये जैव धर्म, ये जो है आपके शैव धर्म संबंधित है, शैव धर्म यानी कि भगवान शिव। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर है ये भी हाल ही में चर्चा में क्यों आया, क्योंकि ये जो मंदिर है ये आपके मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ के मध्य, छत्तीसगढ़ की सीमा के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक और हमारे छत्तीसगढ़ में आपके इस गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले के सीमा पर मौजूद है ये ज्वालेश्वर महादेव मंदिर। ये विवाद में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में जो इस मध्य प्रदेश के अमरकंटक नगर पंचायत के द्वारा इस ज्वालेश्वर महादेव मंदिर की दीवार पर वहां पर अपना एक बोर्ड लगा दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत, लेकिन वास्तविक तौर पर ये छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। तो अभी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य इस मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा है। तो ये मंदिर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्वालेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है, तो ये मौजूद है आपके गोरिल्ला पिंडरा मरवाही जिले में। नेक्स्ट है कांकेर मेडिकल कॉलेज। हाल ही में प्रदेश का 11वां और 8वां शासकीय मेडिकल कॉलेज ये खुलने वाला है कहाँ पर, कांकेर में। देखिए काफ़ी पहले घोषणा किया जा चुका है कि हमारे प्रदेश के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। कौन कौन सा है, कांकेर, कोरबा और आपका महासमुंद। कांकेर के पास आपका सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन आपके कोरबा और महासमुंद के पास अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो कांकेर में प्रारंभ हो रहा है आपके प्रदेश का 11वां, प्रदेश का 11वां मतलब आपके गवर्नमेंट और आपका प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेज को मिलाकर के बात हो रही है। और अगर हम केवल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ये होगा प्रदेश का 8वां शासकीय मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 से यहां पर आपका पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। इसमें सीटों की संख्या है आपका 100, केवल इतना याद करना है। ठीक है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। सभी को याद कीजिएगा, स्पेशली राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और ये नए जिलों की सीमाओं को। ठीक है, बहुत से तो आपके कोचिंग सेंटर में आपको एज इट इज़ डायग्राम बना हुआ कॉपी किया हुआ आपको मिल जाएगा, तो समझ जाइएगा कि हमारा ही पढ़ाया हुआ है। वैसे तो जो भी इसको नकल करेगा उसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सबको घसीटेंगे सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।